उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बैंक का उद्घाटन करने हरिद्वार पहुंचे, जहां पर बीजेपी नगर पालिका के अध्यक्ष राजीव शर्मा समेत बैंक के कर्मचारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि डेंगू एक महामारी के रूप में उभर रहा है, यहां एक नए तरह का वेरियंट देखने को मिल रहा है। प्रदेश भर के युवा लगातार रक्तदान कर रहे हैं और कई समाजसेवी संस्था भी इस ओर आगे बढ़ रही है। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। एक साल आराम कर रहा है, एक साल बाद फिर सक्रिय होता है। और इस बार जो देखने में आ रहा है कि डेंगू का जो रूप है, थोड़ा जो डॉक्टर से मेरी बात हुई, थोड़ा विकराल है। और दूसरी क्या है कि कहीं कहीं लीवर को भी प्रभावित कर रहा है, लंग्स को भी प्रभावित कर रहा है और कई जगह लोगों को सुनने भी प्रॉब्लम है। अब ये अजीब किस्म का इसका एक रूप सामने आ रहा है। सरकार अपना काम कर रही है, प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स अपना काम कर रहे हैं। बड़ा जो दायरा है वो अगर हम टोटलिटी में देखें तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनकी बड़ी भूमिका है, उनकी संख्या भी ज़्यादा है। और इसलिए वो तो जो काम कर रहे हैं कर रहे हैं, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इस समय मैं पब्लिक से अपील करना चाहूँ। और मैं पिछले 3 सितंबर से हमने एक अभियान लिया ब्लड डोनेशन का, 1041 तो जो मैंने स्वयं कैंप केंद्र में रहा, जो उनमें